नमस्कार। खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो जुड़ी हुई है सुरखी विधानसभा क्षेत्र से। हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात, जहां मोकलपुर सुरखी विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहते हैं कि यहां जो राजेंद्र सिंह मोकलपुर हैं उन्होंने जो है स्वागत किया है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गोविंद राजपूत का। और गोविंद राजपूत मंदिर पहुँचे हैं, उन्होंने माता भी टेका है। और हम आपको बता दें कहीं ना कहीं हज़ारों लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह भव्यता का यह कार्यक्रम को तुम तक न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया है। हम आपको बता दें कहीं ना कहीं अगर राजनीति का अंक गलत किया जाए तो चुनाव इस समय पर सुरखी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और 17 तारीख को वोटिंग भी है। लेकिन यहाँ के जो दृश्य हमने आपको दिखा रहे हैं यह तुम तक न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहाँ राजेंद्र सिंह मोकलपुर और गोविंद राजपूत की यह जोड़ी जो है जो आपको पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रही होगी। कहीं ना कहीं अगर राजनीति की बात की जाए और राजनीति के अंक गणित की जाए तो इस चुनाव भी गोबेला में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां पर यह भव्यता का यह कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ है। तुम तक न्यूज पर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और उन्होंने जो है राजेंद्र सिंह मोकलपुर के बुलावे पर यहाँ पर हज़ारों लोग एकत्रित भी हुए हैं। अब हम आपको बता दें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं गोविंद सिंह राजपूत भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको तुम तक न्यूज ने सीधी सीधी आपको तस्वीरें बताई हैं और हम आपको बता रहे हैं क्या कहा राजेंद्र सिंह मोकलपुर और भाजपा प्रत्याशी गोविंद राजपूत। मेरे भाइयों सभी को मेरा एक बार पुनः प्रणाम। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। आप लोग बहुत दूर दूर से आटमपुर बंसिया बड़ौदा नारायणपुर हफली भैरसला फिर इधर सुर्खी चतुर्भटा विधवा खमकुआ पीलापुर घाना पटाची की सरकार है। ये जैसा सोने में सुहागा होता है ऐसा होता है। हमें क्षेत्र के विकास के लिए आगामी 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का बटन दबाना और गोविंद सिंह राजपूत जी को विजयी बनाना है, क्योंकि हमें विकास के कार्य अभी क्षेत्र में बहुत से कराना है। हालांकि विकास कार्यों की मैं अभी इसलिए नहीं कहूँगा, जब माननीय पुनः मंत्री बनकर आएंगे तो उनको विकास की लंबी फेरत दूंगा। 3 इन कामों को कराना है हमारे क्षेत्र के, चाहे वो बंसिया के हों चाहे बड़ौदा के हों चाहे मोकलपुर के हों चाहे हफ्ती के हों हानोटा के लंबरदार अभी उनसे शिकायत कर रहे थे कि हमारे रास्ता में नाले में गिर गए। ऐसे बहुत से पेंडिंग काम हैं तो वो तो अभी समय है इन चीज़ों को कहने का नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी भारी बहुमत से पहले गोविंद सिंह जी को विजयी बनाए और फिर इनका हाथ पकड़ के अपन काम कराएंगे। सर काम नहीं करेंगे तो अपन हम सब मिलकर लड़ेंगे भी इनसे। इसलिए मेरा निवेदन है हमारे बीच में जैसे महाराज पंडा सिंह जहाज सिंह जी गोविंद सिंह कहां जी और बहुत से लोग पधारे हैं तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इसके बाद मैं अपना निवेदन करता हूँ माननीय मंत्री जी अपना उद्बोधन दें। राम राम। हम मौजूद हैं मोकलपुर में जहां हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी मोकलपुर हमारे बीच में मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि आज मोकलपुर आए हैं जी और मंत्री माननीय राकेश भैया धन्यवाद। और आज चुनाव की जब गोबेला चल रही है और एक खुशखबरी भी दिखाई दे रही है, जब जब इतना कोई कार्यक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, जब सही है। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जिताने के लिए मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं करता हूं और भारतीय जनता पार्टी है तो हम हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है, हम लोग सूत्रों के आधार पर जाते हैं कि राजेंद्र सिंह मोकलपुर के आने से सुरखी में जो है वोट बैंक बड़ा है। देखिए ये तो जनता का प्रेम है, अगर ऐसा लोग समझते हैं नहीं तो हम लोग तो अपने हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। जनता अगर हमारी बात मानती है तो सिरोधार्य है। ये गुप्त की बात है कि आपके एक इशारे से हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे। ये तो जनता का प्रेम है, विश्वास है कि अगर वो मुझे मेरी बात को मानती है तो ये उसके लिए मैं उनका जनता का आभार मानूंगा, हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा। आज एक हजारों लोगों के बीच में एक कार्यक्रम यहाँ मोकलपुर में चल रहा है इस समय पर, हमारे बीच में प्रत्याशी जो सम्मानी गोविंद सिंह जी राजपूत उनसे बात करते हैं। भाई साहब आज मोकलपुर आना हुआ आपका? मोकलपुर वहाँ हमारा घर है, बड़े भाई के यहाँ आए थे और यहाँ से मोकलपुर से जब जब आशीर्वाद लिया तब तब आप शिखर पर पहुँचे। इससे कोई दुआ नहीं, पिछली बार 41
आप मुगल वाले जहाँ पहुँचा दें। ये देखिए सीधी सीधी बात बता दें कि दोनों यहाँ पर नेता यहाँ पर मौजूद हैं, एक मंत्री हैं, दूसरे राज्य मंत्री हैं। कहीं ना कहीं अगर मोकलपुर की बात की जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यह समीकरण जाता हुआ सुर्खी में दिखाई दे रहा है। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट।